चलो अब इसके क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। देखो एक चीज़ है फिशर्स प्राइस इंडेक्स, ठीक है, लिखो अपने पास फिशर्स प्राइस इंडेक्स और फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स। अगर आपको फिशर्स प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना होगा तो वो अंडर रूट लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स इंटू पाशीज प्राइस इंडेक्स होगा, और अगर फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना होगा तो वो अंडर रूट ऑफ लेस्पियर्स क्वांटिटी इंडेक्स इंटू पाशीज क्वांटिटी इंडेक्स होगा। ठीक है, प्राइस इंडेक्स फिशर्स प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू एल पी आई इंटू पी पी आई अंडर रूट पे, और फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स एल क्यू आई इंटू पी 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 क्यू आई अंडर रूट पे। हाँ ये चीज़ें जो है ना वो ज्योमेट्रिक मीन से बनी है। ज्योमेट्रिक मीन याद है, ज्योमेट्रिक मीन में एक फॉर्मूला होता था अंडर रूट एन एक्स वन इंटू एक्स टू इंटू एक्स थ्री। इसी तरह से आप ये कह सकते हो कि फिशर्स प्राइस इंडेक्स जो है ना वो लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स और पाशीज प्राइस इंडेक्स की ज्योमेट्रिक मीन है। फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स जो है वो लेस्पियर्स क्वांटिटी इंडेक्स और पाशीज क्वांटिटी इंडेक्स की ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन का ये फॉर्मूला होता था याद है, ज्योमेट्रिक मीन में जितनी यहाँ पर चीज़ें होती थी उतनी ही उसकी पावर होती थी। अब यहाँ पर पावर में कुछ नहीं है, जब पावर कुछ नहीं होती रूट की तो उसका मतलब क्या होता है, पावर 2 है, यानी कि ये रूट 2 है, रूट 2 ये भी रूट 2 है, ठीक है ना, या तो पावर 1/2 या फिर रूट 2। रूट 2 इसलिए क्योंकि जब ज्योमेट्रिक मीन निकालते थे तो ज्योमेट्रिक मीन में यहाँ पर एन क्या आता था, जितनी चीज़ें या जितने एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, और हमारे पास दो दो एलिमेंट्स ही हैं। अच्छा एक और आखिरी चीज़ करते हैं, 2009, 2010, 2011, 2012 नया डेटा है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको जो है ना बेस बेस ईयर इंडेक्स और चेन इंडेक्स को डिस्कस कर लेता हूँ और उसकी कन्वर्जन भी देख लेता हूँ। चेन इंडेक्स देखो, लेट से 2009, 10, 11 और 12 की मुझे सेल्स दी हुई है, सेल्स 2009 की जो सेल्स है ना वो है 1700 1760, 2010 की सेल्स है 1883, 2011 की जो सेल्स है ना वो है 2024, 2012 की जो सेल्स है ना वो है 2166, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ कि लेट से मैं 2010 में 1883 डिवाइडेड बाई 1760 इंटू 100 करता हूँ, कितना आएगा। वन जीरो सिक्स पॉइंट नाइन एट, 107 तकरीबन। अच्छा उसके बाद फिर मैं करता हूँ 2024 डिवाइडेड बाय 1883 इनटू 100, 107.4 के बाद क्या है तो 5 कर देता हूँ। अच्छा उसके बाद फिर 2166 डिवाइडेड बाय 2024 इनटू 100, कितना आया, 107.01। अब मुझे बताओ यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, ये 107 या 107.5, 107 ये क्या बता रहा है के
पहले साल से आखिरी साल तक कितनी है? पहले साल से आखिरी साल तक या पिछले साल से? प्रीवियस से देख रहा हूँ, प्रीवियस ईयर से देख रहा हूँ ना, प्रीवियस ईयर से देख रहा हूँ। देखो क्योंकि मैंने बेस में पिछले साल वाली अमाउंट लिखी है। अगर मैं बेस ईयर से कैलकुलेट कर रहा होता तो उस केस में क्या करता? 1760 से डिवाइड करता, पहला तो सेम आता, दूसरा क्या होता, 2024 डिवाइडेड बाय 1760 इनटू 100। एक सौ 15.02। और फिर आखिरी क्या होता है, 2166 डिवाइडेड बाई 1760 इंटू 100, 123.068। ऐसा होता, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं पिछले साल से कंपैरिजन कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं बेस ईयर से कंपैरिजन कर रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं 107.5 की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 107.5 की अगर बात करता हूँ तो 107.5 जो आ रहा है ना, वो आपको ये बता रहा है कि 2010 से 2011 के बीच में कोई चीज़ जो है वो कितनी महंगी हुई है। ये वाली वैल्यू ना यहाँ पर जो है, देखो ये जो 107.5 है ये तो आपको ये बता रहा है ना कि 2010 से 2011 में कोई चीज़ कितनी महंगी हुई है। पिछले साल से कंपेयर किया है ना हमने। और इसी तरह से ये वाला जो 107.01 है, ये 107.01 क्या बता रहा है, 107.01 आपको ये बता रहा है कि कोई चीज़ 2011 से 2012 में कितनी महंगी हुई है, क्योंकि आप पिछले साल की वैल्यू बेस में लिख रहे हो। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं मिसाल के तौर पर ये 115.02 की, तो ये 115.02 क्या बता रहा है कि कोई चीज 2009 से 2011 तक कितने रुपए महंगी हुई है। ऐसा ही है ना। और जो पहला वाला 107 है, पहला वाला 107 क्या बता रहा है, 2009 से 2010 में कोई चीज कितनी महंगी हुई है। और ये जो 123.06 है, ये क्या बता रहा है कि कोई चीज 2009 से 2011 के बीच में कितनी महंगी हुई है। इस केस में, ये वाले सिनेरियो में हमने एक बेस ईयर तय किया है और वो बेस ईयर क्या है, 2009। और यहाँ पर जो है ना वो एक चेन बनी हुई है, ठीक है, नोट करो इसको। पहले वाले में 100 होगा, जो आखिर में आपने लिखा 2009 से 2011 या 2012 तक होना चाहिए। हाँ, 12, एक मिनट, हाँ ये 12 है, सही है, करो इसको जरा कॉपी।
सही है भाई। अच्छा आप देखो, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास अगर बेस ईयर इंडेक्स की बात करें तो हमारे पास बेस ईयर इंडेक्स में 100, 107, 115.02 और 123.06, यही बेस ईयर इंडेक्स है। वहीं से ऊपर से कॉपी करें ना। बेस ईयर इंडेक्स क्या बताते हैं कि अगर कोई चीज 2009 में 100 की थी तो वो 2010 में 107 की, 2011 में और 2012 में। अगर आपको ये बेस ईयर इंडेक्स दिए हुए हो और आपको सवाल बोले कि यार इसको चेन इंडेक्स में तब्दील करो, चेन इंडेक्स में क्या होता है, कंपैरिजन पिछले साल से होता है, और बेस ईयर इंडेक्स में क्या होता है, कंपैरिजन पहले साल से होता है। मिसाल के तौर पर ये 107 ये बता रहा है कि पिछले साल से चीज 7 रुपये महंगी हुई है। ये 115.02 ये बता रहा है कि 2009 से 10 से 11 2 साल में चीज 115 पर पहुंची है, यानी कि 2 साल की मिलाकर महंगाई 115.02 है, क्योंकि आप बेस ईयर की वैल्यू से डिवाइड कर रहे थे ना। इसी तरह से ये 123.06 क्या बता रहा है, 2009 से 2012 तक मिलाकर चीज 23.06 महंगी हुई है। अच्छा हमने ऊपर इसके चेन इंडेक्स भी कैलकुलेट किए ना, चेन ईयर इंडेक्स क्या क्या आ रहा था, पहला 100 होगा, फिर 107 होगा, फिर कितना आया था 10, और फिर यहां पर इसका मतलब कुछ और होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस 107.5 का मतलब यह है कि जो चीज पिछले साल 100 की थी वो इस साल 107.5 की हुई है, यानी कि 7.5% चीज महंगी हुई है। ठीक है, यहां से यहां का मतलब यह है कि 2009 और 10 के बीच में 7% महंगाई आई है, लेकिन ये 107.5 का मतलब यह है कि 2000 और 10 और 11 के बीच में 7.5% महंगाई आई है। अगर एक चीज 2010 में 1883 की है, इसको तुम 7.5% महंगा करो, 1883 इंटू 7.5% इसमें ऐड करो, क्या 2024 आता है? आ रहा है? आ रहा है ना। चेन इंडेक्स हमेशा आपको ये बताता है पिछले साल अगर कोई चीज 100 की थी तो अब कितने की हो गई होगी, पिछले साल अगर कोई चीज 100 की थी तो अब कितने की हो गई होगी, अगर पिछले साल कोई चीज 100 की थी तो अब कितनी हो गई होगी। बेस ईयर इंडेक्स आपको बताता है अगर वो 2009 में 100 की थी तो अब कितनी की हो गई होगी। अब अगर आपको फॉर एग्जाम्पल लेट से कोई सवाल जो है ना बेस ईयर इंडेक्स दे, यानी कि आपको जो है ना ये वाली वैल्यू दे दे, आपको सवाल बोले कि यार बेस ईयर इंडेक्स जो है ना 2009, 2010, 2011 और 2012 के बेस ईयर इंडेक्स जो है ना वो 100, 107, 115.02 और 123.06 हैं। आप इस डेटा को यूज़ करते हुए इस कंपनी के करंट ईयर इंडेक्स निकालो, तो पहला वाला सेम होगा या नहीं, पहला वाला सेम होगा, दूसरा वाला सेम होगा या नहीं, दूसरा वाला भी सेम होगा। इसलिए सेम होगा क्योंकि अभी एक ही साल गुजरा, करंट ईयर इंडेक्स देखेगा पिछले साल से कितनी महंगाई आई 7%, तो 107। बेस ईयर इंडेक्स भी यही देख रहा होगा यहाँ पर पिछले साल से कितनी महंगाई आई। तीसरे साल में क्या होगा, बेस ईयर इंडेक्स 115.02 आ रहा है, वो क्या बता रहा है कि अगर कोई चीज 2009 में 100 की थी तो वो अब 2011 में 115 की हो गई है। करंट ईयर इंडेक्स ने ये नहीं बताना, करंट ईयर इंडेक्स ने क्या बताना है कि पिछले साल अगर कोई चीज 100 की थी तो अब कितने की हो गई होगी। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे,
देखो अब जरा गौर से सुनो, बेसियर इंडेक्स पर आओ। बेसियर इंडेक्स के हिसाब से जो चीज 2009 में 100 की थी वो 2010 में कितने की हो गई है? और बेसियर इंडेक्स के हिसाब से जो चीज, अगर कोई चीज 2010 में 107 की थी तो वो 2011 में कितने की हो गई है? इसका मतलब बेसियर इंडेक्स की इंफॉर्मेशन से मुझे ये चीज पता चल रही है, 115.02 और 107 का क्या डिफरेंस आता है? 115.02 और 107 का डिफरेंस देखा बताना। बेस ईयर इंडेक्स मुझे ये बता रहा है कि 7.8.02 रुपए की कीमतें बढ़ी हैं 107 रुपए वाली चीज पर। 8.02 डिवाइडेड बाई 107 इंटू 100 करो कितना बनता है? या तुम इसको सिंपली यूं कर लो, एक मिनट एक काम करो, 115 पॉइंट देना, कैलकुलेटर देना, 115.02 ठीक है ना, -107 डिवाइडेड बाय 107 इनटू 100। देखो एक मिनट रुको, देखो यहाँ पर 115.02, 115.02 -107, जो चीज 2011 में 115.02 की है बेस ईयर के हिसाब से वो 2010 में कितने की थी? 107 की थी। इसका मतलब ये हो गया कि बेस ईयर के हिसाब से एक साल में ये इस चीज की वैल्यू कितने से बढ़ी है? 8.02 की। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितनी बढ़ी है? 8.02 डिवाइडेड बाई 107 इंटू 100। 8.02 डिवाइडेड बाय 107 इंटू 100 यानी के 7 पॉइंट, तकरीबन 7.5%। इतना ही आ रहा है? इतना ही। और देखो आपको करंट ईयर इंडेक्स भी यही बता रहा है ना। करंट ईयर इंडेक्स क्या कह रहा है? करंट ईयर इंडेक्स ये कह रहा है कि पिछले साल और इस साल के बीच में 7.5% चीजें महंगी हुई हैं। करंट ईयर इंडेक्स हमेशा ये देखता है कि पिछले साल अगर कोई चीज 100 की थी तो इस साल कितने की हो गई होगी। बात समझ में आ रही है? तो आपका करंट ईयर इंडेक्स जो है ना वो 107.5 आ जाएगा। इसी तरह से बेस ईयर इंडेक्स में क्या है? 115.02 वाली चीज 123.06 की हो गई है। डिफरेंस देखो कितना आता है, 123.06 -115.02। आ रहा है हमारे पास 8.04, और फिर 8.04 को डिवाइड कर दो 115.02 से और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना परसेंट बनता है? 107। तकरीबन 7% बन रहा है, 6.9 या 7। और तुम देखो कि यहां पर ये 107.01 बता रहा है हमें 7.01% की महंगाई, ये इससे मैच कर रहा है। देखो करंट ईयर इंडेक्स हमें ये बताता है कि पिछले साल से कोई चीज इस साल कितनी महंगी हुई है। करंट ईयर इंडेक्स हमें ये बताता है कि पिछले साल से कोई चीज इस साल कितनी महंगी हुई है। बेस ईयर इंडेक्स जो है वो एक बेस ईयर ले लेता है और उस बेस ईयर के हिसाब से बताता है कि वो चीज कितनी महंगी या सस्ती हुई है। अब हमें बस प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर की और पिछले चैप्टर्स की, तो हमारे ये सारे चैप्टर पूरे हो जाएंगे। आप लोग स्टडी टेक्स्ट निकालो, 9.1 पहले सवाल पर आओ, या पिक्चर ले लो, 20 मिनट ही है ना, तो मैं क्वेश्चंस करवा देता हूँ। वैसे भी कल भी ऑफ है तो परसों क्लास है, ठीक है, तो उसकी पिक्चर ले लो। अब सवाल करने हैं। हाँ जल्दी से सवालात पर आ जाओ, सही है, एक एक करके पूछना स्टार्ट करता हूं मैं। देखो ना पेज नंबर क्या लिखा हुआ है, 234।
है।